इंदौर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जनता कर्फ्यू लागू किया गया है। प्रशासन लगातार जनता कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। हाल ही में ऐसा ही एक दृश्य शहर के प्रजापत नगर में देखने को मिला है, जहां नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई कर दुकानों को सील किया गया है। इंदौर प्रशासन लगातार लोगों से जनता कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की मांग कर रही है, लेकिन कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। द्वारकापुरी पुलिस को जानकारी मिली थी कि किराना दुकानों के बंद रहने के आदेशों के बावजूद कुछ किराना दुकान संचालित की जा रही है। इस जानकारी के तहत पुलिस और निगम की टीम मौके पर पहुंची और नियमों का उल्लंघन करने वाली दुकानों को सील करने की सख्त कार्रवाई की। अपने जो माननीय जिलाधीश महोदय के नए आदेश प्राप्त हुए हैं, उसके तहत दूध की दुकानें, सब्जी की दुकानें, किराना दुकानें में जो नए निर्देश प्राप्त है, उस हिसाब से उनको बंद करवाया गया है। किराना की दुकानें जो प्रजापत नगर में चालू मिली थी, तो उनको सील किया गया है और पूरी क्षेत्र में सर्च जारी है। सब्जी वालों को उनको घर भेजा जा रहा है और समस्त लॉकडाउन की कार्रवाई जो नियमानुसार उससे करवाई जा रही है। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। इंदौर में कोरोना को बेकाबू होता देख लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है। गौरतलब है कि इंदौर में बेवजह घूमने वाले लोगों को अस्थायी जेल तक भेजा जा रहा है। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।